आषाढ़ी बीज और सोमवार शहर में निकलनारी भगवान जगन्नाथ जी की 40वीं रथयात्रा ने लेने इस्कॉन मंदिर खाते पत्रकार परिषद नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। विक्रम संवत 2077 आषाढ़ी बीज ने तारीख 12 जुलाई सोमवार ना रोज भगवान जगन्नाथ जी की 40वीं रथयात्रा निकलनार छे। कोरोना की महामारी ने कारण गत वर्षे रथयात्रा नगरचर्या कार्यक्रम रद्द करवामां आव्यो हतो। तेना कारणे गत वर्षे इस्कॉन मंदिर प्रांगण में ज 39वीं रथयात्रा काढवामां आवी हती। त्यारे आ वर्षे रथयात्रा दरमियान कर्फ्यू रहेनार छे। सवारे 6 થી 12 વાગ્યા सुधी शहर पोलिस द्वारा कर्फ्यूनो अमल शुरू थशे। कोरोना की तीजी संभवित लहेरती शक्यता ने ध्यान में राखी आ वर्षे 40मी भगवान जगन्नाथ की परंपरागत रीते निकलती रथयात्रा समय में फेरफार करवामां आव्यो छे। आ वर्ष शहर में निकलनारी 40मी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा सवारे 9 કલાકે निकलशे और 11 વાગ્યે रथयात्रा पूर्ण करवामां आवशे। तीजी संभवित कोरोना की लहर ने ध्यान में राखी और भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा दरमियान प्रसादी वितरण नहीं करवामां आवे अने भक्त रोड पर दर्शन माटे नहीं आवी सके तेओ माटे ऑनलाइन लाइव दर्शन करी शकाय तेवी व्यवस्था करवामां आवी छे अने लोकोने घरे रहीने ज ऑनलाइन लाइव दर्शन माटे अपील करवामां आवी हती। आ प्रसंगे मेयर केरुवाला रोकड़िया जणाव्युं हतुं के भगवान जगन्नाथ जी रूट पर तमाम रोड रस्ता पर मार्ग की कामगीरी स्वच्छता वगैरह बाबते तंत्र द्वारा पूरो सहयोग करवामां आवशे। इस्कॉन मंदिरना मुख्य महंत नित्यानंद जी स्वामीए पण लोकोने घरेथी ऑनलाइन दर्शन माटे अपील करी हती। आजे तंत्रनो आभार व्यक्त कर्यो हतो अने सवारे मंगला आरती दर्शन बाद परंपरागत रीते रेलवे स्टेशन थी भगवान जगन्नाथनी 40मी रथयात्रा परंपरागत रीते निकळशे तेवुं जणाव्युं हतुं। आजनी आ पत्रकार परिषदमां राज्यमंत्री योगेशभाई पटेल, इस्कॉन मंदिरना मुख्य नित्यानंदजी स्वामी, भारतीय जनता पार्टीना शहर प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, मेयर श्री केयूरभाई रोकड़िया, स्थायी समितिना अध्यक्ष डॉक्टर हितेन्द्र पटेल दंडक उपस्थित रह्या हता। नजीर शेख साथे सलीम मुल्तानी, स्पीड न्यूज 17, वडोदरा। क्योंकि पहले आपने बोला था वही रूट पे निकलेगी, अब जो 7 किलोमीटर था उससे 5.3 हो गया, ऐसा कैसे हुआ? नहीं, परंपरागत तरीके से ही है, हमें नहीं मालूम आपको कहां से ये ज्ञात हुआ है, बट जो रथ यात्रा का रूट पिछले साल छोड़ दें क्योंकि पिछले साल मंदिर के अंतर्गत हुआ था, रथ भगवान निकले थे, लेकिन वही रास्ता है। रास्ता में जो भगवान का मार्ग है उसमें किसी प्रकार का कोई फेरफार नहीं हुआ है। इस्कॉन की ओर से ऐसा कोई आयोजन है कि वही लाइव करे और पूरा आवाम देख सके, ऐसा कोई आपकी ओर से कोई आयोजन है? इस्कॉन के तरफ से आप सभी हैं हमारे, आपके द्वारा ही सब देखेंगे, हमारी तरफ से कोई आयोजन नहीं है। हमारी तरफ से आप लोग हैं, आप भी जगन्नाथ जी के हैं, मंदिर के हैं, बड़ौदा के हैं, तो हमारा आप सभी का दायित्व बनता है और कर्तव्य है, तो इसलिए आपसे कर्तव्य प्रार्थना है कि आप ही लोग लाइव कास्ट करते चलते रहिए, आपका भी काम है। रथ यात्रा में जो कल बात हुई आप तो थे ही, हम आप सभी सहभागी थे, मंत्री महोदय थे और सब थे। जो RTC PCR क्या वो टेस्ट है उसको करवाना है और वैक्सीनेशन हुआ हो, हमें लगता है कि 60-60 का ग्रुप होगा, कुछ दूर तक 60 लोग होंगे, उसके बाद जो ग्रुप होगा वो हट के दूसरा 60 लोग, मतलब 60 लोग की पूरे रूट में परमिशन रहे। देखें, ऐसा है टाइम और काल परिस्थिति के अंतर्गत इस बार भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब शुरू होगा रेलवे स्टेशन से, तो कहीं पर भी जहाँ भी थोड़ा, चूँकि बहुत सारे उसमें तार होते हैं और सब चीज़ होते हैं, उनको उठाना होता है, कनोपी को नीचे करना है, ऊपर करना है, वहीं पर साइज रुकेगा। बाकी ना प्रसाद वितरण होगा, ना किसी के द्वारा स्वागत समारंभ होगा, ये सरकार और प्रशासन का गाइडलाइन और हम आपका कर्तव्य है कि इसका पालन करें। आज ही हम मेयर श्री आए हैं, यही सब करवाएंगे टेस्ट सबका, यह इनका भी कर्तव्य है। हाँ, 60-60 लोग, मतलब हम लगता है कि 150 या 200 लोगों का जो है टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। आती काले बीजना दिवस है, परंपरा मुजब भगवान श्री जगन्नाथ जी नो
यात्रा वडोदरा शहर में सवारे 9 वाग्या थी शुरू थी 11 वाग्या समाप्त थशे। सवारे 6 वाग्या थी जे जे पोलिस स्टेशन में हदनी मई आ रथ निकलशे त्या पोलिस कमिश्नर द्वारा ट्राफिक में कोई पण वाहन रस्ता पर उभर ना रहे ते माटे पण बंदी करवामां आवी छे। कर्फ्यू पण लगावामां आव्यो छे। कर्फ्यूनो भंग करनारने पगला पण लेवामां आवशे। सरकारना जे पण नॉर्म्स हशे એ નોર્મ્સનું પૂરેપૂરું પાલન કરવામાં આવશે। રથ એકવાર સ્ટેશન પાસેથી શરૂ થશે તો રસ્તામાં કોઈ જગ્યાએ રોકાશે નહીં, કોઈ જગ્યાએ આરતીનો પ્રોગ્રામ નથી, પ્રસાદ પણ વહેંચવામાં નહીં આવે, પરંતુ સાદગીથી આ ભગવાન જગન્નાથજીનો રથયાત્રા પૂરી થાય એ માટે વડોદરા શહેરના ભાવિક ભક્તોને પણ વિનંતી, કોઈ પણ ભક્ત કાયદાનો ભંગ ના કરે અને જે પણ લાઈવ ઉપર આ રથયાત્રા દેખાશે એના દર્શન કરે।